अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो रेसिपी का नाम है कटे मसाले का गोश्त, जिसके लिए हमें चाहिए 500 ग्राम्स मटन। उसमें ये इस तरह की ये जो राउंड बूटियाँ होती हैं ये अगर हो तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्टी बनता है। तो ये आपके पास 500 ग्राम्स होनी चाहिए। एक बड़े साइज़ की प्याज है जो कि इस तरह कट कर लें, और ये लहसुन है जो कि ये 2.5 टेबल स्पून से 3 टेबल स्पून तक है, ये चॉप्ड। इसको इस तरह छोटा छोटा बारीक चॉप कर लें, और जिंजर भी इसी तरह बारीक काटनी है, और ये भी 2.5 टेबल स्पून है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला जाएगा साबुत, जिसमें 3 लौंगे हैं और 6-7 काली मिर्चें ले लें, एक छोटा सा तेज़पत्ता ले लें, एक बड़ी इलायची है वो भी छोटे साइज़ की है, और थोड़ा सा दालचीनी है। और ये आपके पास कटी हुई लाल मिर्च है, ये कुटी भी नहीं है। ये बेसिकली आप ये देखें, ये आपको नज़र आएंगी, ये दो, ये लंबी लाल मिर्च भी होती है साबुत, और ये गोल लाल मिर्च भी होती है। तो आपके पास जो सी भी है इनमें से, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इस टाइम जो है ये लंबी वाली जो है इसको सीज़र से कट कर लिया है, जो कि इस तरह फिर कटिंग में आ गई है। और सॉल्ट है आपकी एज पर टेस्ट, और योगर्ट है ये भी ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को कि कैसे बनता है ये। जी ये एक पतीली ले लें, जिसमें मैंने 1/3 कप जो है ऑयल डाला है। इसमें आप अगर देसी घी खाने के शौकीन हैं तो आप देसी घी डाल सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर ज़रा ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन फ़िलहाल मैंने ऑयल ही यूज़ किया है। ये थोड़ा सा गर्म हो गया है तो इसमें मैं अब ये प्याज डाल देती हूँ, और इसको हम हल्का हल्का सौते करेंगे, थोड़ा सा इसका जो है कलर चेंज हो जाए। जी ये देखिए इसका हल्का हल्का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो अब मैं इसमें लहसुन डाल दूंगी सारा, इसको भी हल्का सा फ्राई कर देंगे। ये लहसुन भी थोड़ा सा सौते हो गया, अब आप इसमें जिंजर डाल दें, इसको भी हल्का सा सौते करें। इनका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए, लाइट गोल्डन सा हो जाए। और ये गरम मसाला जो हमारे पास है इसमें साबुत, इस टाइम हम ये ऐड कर देंगे इसमें, इसको भी कर लें फ्राई सा, 1-2 मिनट इसको करें फ्राई जी। और अब इसमें आप ये लाल कटी हुई मिर्चें डाल दें। अच्छा, जिन लोगों को लाल मिर्चें पसंद ना हो और ये उनको कोई प्रॉब्लम करती हो तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को भी ऐसे आप छोटा छोटा बारीक चॉप करके तो इसमें शामिल कर लें। अब ये सब कुछ हो गया तो ये देखें थोड़ा थोड़ा सा सारे ही चीज़ें जो हैं वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई हुई है। तो अब मैं इसमें जो गोश्त शामिल कर देती हूँ, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसको अच्छे से जल्दी से मिक्स कर लेना है, क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो कुछ था नहीं। तो ये आप ये देखें थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया। इसमें आप अपना सॉल्ट ऐड कर लें, सॉल्ट डाल के भी इसको मिक्स कर लें हल्का सा। इसको फ्राई सा ही एक तरह का करना है आपने। तो जब ये फ्राई हो गया है तो इसका भी सारा गोश्त का भी कलर चेंज हो चुका है। तो अब आप इसमें ये योगर्ट डाल दें और मिक्स करें। अब ये अच्छे से मिक्स कर दिया मैंने, अब मैं इसको इस कवर कर दूंगी, और इसकी जो आंच है वो बिल्कुल लो करके तो इसको हल्की आंच पे पकने दें। ये देखें ये इसके अंदर प्याज का, दही का, गोश्त का, ये खुद सारा थोड़ा थोड़ा सा पानी निकल आया है,
तो आप इसको लो फ्लेम पे ही रखें और कवर करके थोड़ी देर इसी में पकने दें, और जब तक ये पानी खुद से ख़त्म नहीं हो जाता। हो सकता है इतने में गोश्त वैसे गलेगा तो नहीं, लेकिन ये कि फिर उसको भून के बाद में हम थोड़ा सा पानी डाल के तो गोश्त गला लेंगे अपना। तकरीबन 10 मिनट लगे इसका सारा पानी खुशक होने में, और इसको अब हम अच्छे से भून लेंगे कि इसका ऑयल वगैरह निकल आए। और लेकिन ये गोश्त जो है ये अभी स्टिल कच्चा है, तो पहले इसको अच्छी तरह भून कर तो फिर हम इसमें इतना पानी डाल देंगे कि जिसमें ये गोश्त गल जाए। मैंने 1 कप डाला है, होपफुली इतने में ये गल ही जाएगा। इसको वापस से कवर करके रख दें पकने के लिए जब तक गोश्त ना गले। जी ये जो है अब गोश्त तैयार हो गया है और ये गल भी गया है, तो अब मैं इसको डिश आउट कर देती हूँ। ये मैं डिश आउट करती हूँ। थोड़ा सा इसमें आप ये देखें मसाला भी बन गया, ये मैंने डिश आउट कर दिया है, और इसमें से जो दालचीनी और तेज़पत्ता था वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। आप चाहें तो कर सकते हैं। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।